दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान गुरुवार की शाम थम गया। प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सत्ता में वापसी का दावा किया है। कल यानी 8 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान होना है। वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 13,750 मतदान केंद्रों पर करीब 40,000 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। 19,000 होमगार्ड्स को भी पुलिस के सहयोग के लिए ड्यूटी पर लगाया गया है। दिल्ली में जहां केजरीवाल एक बार फिर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, वहीं भाजपा के मनोज तिवारी के सामने खुद का नेतृत्व साबित करने का मौका है। कल चुनाव है, कल दिल्ली की जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद करेगी। इससे पहले नेताओं ने आज भगवान से आशीर्वाद लिया और जीत के लिए प्रार्थना की। सीएम अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के पास पौराणिक हनुमान मंदिर गए, तो वहीं बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने छतरपुर जाकर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट अकु श्रीवास्तव। अकु साहब, ये बताइए कि कल चुनाव है और इस वक्त दिल्ली के सभी नेता दर दर भगवान के दर पहुंच रहे हैं, कैसे देखते हैं आप कल के हालातों को? मुझे लगता है कि सब अपनी मेहनत, अपनी कर्म, अपने उत्साह के साथ उन्होंने पिछले एक महीना बिताया है और अपनी पूरी कोशिश की है, और अब वो दिन है कि हर आदमी ये मना रहा है कि भगवान अगर कहीं कुछ उल्टा सीधा हो रहा हो, अगर कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो तो सीधा कर दे। ये हम भारतीयों की ईश्वर में आस्था रखने वालों में सब में होता है, चाहे विपक्ष में रहे पक्ष में रहे, तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। और अपने आप को वैसे नेताओं की खाल जो मानी जाती है बहुत मोटी होती है, वो हारे या जीते वो बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सच है वो भी मानव होते हैं, उनको भी हार और जीत की हार का दुख और जीत की खुशी होती है। तो वो अपने आखिरी एफर्ट जो मतदाता के पास जाने के पहले भगवान के पास जाकर के अपने आप को सब कुछ समर्पण करना चाहते हैं और वो उन्होंने समर्पित कर दिया है। सामान्य आदमियों को, मेरा तो ये भी मानना है कि सामान्य आदमी को, हम सब ऐसे लोगों को जो छोटी छोटी चीजों में परेशान होते हैं, उनको इन नेताओं से सीख लेनी चाहिए। इतने तनाव में रहने के बाद, हार जीत का इतना संकट होने के बाद भी ये बहुत सामान्य स्थिति में रहते हैं। आप देखिएगा परसों जब 11 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएंगे तो हमारे आप पे हो सकता है असर हो कि ये जीत गया ये हार गया, लेकिन इनकी चेहरे पे बहुत ज्यादा कोई वो नहीं होने जा रहा है, ये आप निश्चिंत मान लें, ये मेरा अनुभव कहता है। जी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली में कुछ तो लोकल मुद्दे हैं, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, और इस बीच बीजेपी दावा कर रही है कि वो पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और इधर केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि वो पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, इस चीज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक दावा करने का सवाल है, लड़ाई में जो भी उतरा है वो ये दावा करेगा ही, और अंग्रेजी की जो कहावत होती है कि दे आर पेड फॉर दिस, मतलब उनको इसके लिए माना जाता है कि करेंगे ही करेंगे, तो दावा तो करना ही करना होगा। दावा कांग्रेस भी करे तो कोई गलत बात नहीं मानी चाहिए, कांग्रेस कहे कि 35-38 सीटें उसे मिल जाएंगी, तो इसमें भी कोई आपको मतलब संकोच नहीं होना चाहिए, दावा कोई भी कर सकता है। हाँ, ये जरूर रहा है कि इस चुनाव में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ लोकल मुद्दे हुए, पहले लोकल मुद्दे हावी हुए और फिर उसके बाद में राष्ट्रीय मुद्दे उस पर हावी हुए, और फिर और अगर आगे बढ़े तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, शाहीन बाग का मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया। तो शाहीन बाग जिसको कोई नहीं जानता था, मुझे ऐसा आदमी दिल्ली में रहने वाला आज से 3 महीने पहले तक शायद शाहीन बाग को ज्यादा जानता भी नहीं था, वो अब अचानक इतना ज्यादा हो गया, उसको सब कुछ पता है, और हम तो खैर जर्नलिस्ट हैं, वहां गए भी थे, लेकिन बाहर से रहने वाला जिसका भारत में जरा सा भी रुचि है, थोड़ा सा भी वो है, तो वो निश्चित रूप से शाहीन बाग को जान गया। तो इस तरह से शाहीन बाग एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया, और जहां CA, NRC ये सब ऐसे मुद्दे हुए जिसपे इसका असर होना निश्चित रूप से स्वाभाविक है, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मेहनत की है, अमित शाह ने जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किया है, ये अद्भुत है अपने आप में देखना कि कितनी ये कितनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हो, या अभी भी मैं मान लेता हूं कि वो है, वो इतने माइक्रो मैनेजमेंट पर 70 सीटों की छोटी सी विधानसभा के लिए पिछले 20 दिनों से लगातार लगाओ, ये अद्भुत है। लेकिन तारीफ केजरीवाल की भी करनी होगी कि वो इन सब के सेना के आगे
अपनी तरीके से जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं। बिल्कुल, सभी नेताओं ने अपनी ताकतें झोंक दी हैं। हालांकि जो रिजल्ट है वो तो 11 तारीख को आएगा, लेकिन इस बीच आप ऊंट को किस करवट बैठता हुआ देखते हैं? मेरा मानना है कि ये इतना सपाट सा सवाल उसका इस नहीं है, ना ही इसका जवाब उतना सपाट है, क्योंकि पहली बार दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि एक जो 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 वोटर निर्णय नहीं लेता है वो बहुत उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। पिछले दिनों जितने भी ओपिनियन पोल और सर्वे आए हैं, जो पहले आमतौर पर दिल्ली दो हिस्सों में बटी हुई थी, या तो इसके विरोध में होती थी भारतीय जनता पार्टी के या समर्थन में, इस बार मुझे लग रहा है कि वो नंबर बढ़ के आ रहा है और वही नंबर बहुत उसी नंबर में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। हमें ये समझना होगा कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको लोकसभा के चुनाव में बुरी हार हुई थी या भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे तो ऐसे ही होने जा रहा है, या वैसा भी नहीं होने जा रहा है कि 2015 में जिस तरीके से असेंबली में आपको 50% से ज्यादा मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक एक स्थिर वोट बैंक है, उसमें बढ़ोतरी ही ज्यादा होती है, कमी नहीं होने की संभावना होती है। तो ये देखना होगा कि ये बढ़ोतरी क्या आपका जो वोट कम होगा या मतलब लोकसभा की तुलना में देखें तो कम होगा और या विधानसभा की तुलना में देखें तो उससे किस तरीके से बढ़ेगा, तो वो एक बहुत देखने वाला होगा। और ये जो अनडिसाइसिव वोट है, जो अनिर्णित वोट है, वो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 7-8-10 दिनों में ऐसा हुआ है कि चीजें बहुत सारी बदली हैं, इतना आसान नहीं है। मेरा तो मानना है कि या तो आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी और या ये होगा कि वो 25-26 के आसपास रुक जाएगी। यानी इस बार दिल्ली में सत्ता का समीकरण काफी जटिल होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्कू जी आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।